यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। आपको पसंद आए। गिफ्ट तो गाड़ी में ही भूल गया। अंश ये सब क्या कर रहा है? क्या डायन साया अंश से होकर नहीं गुजरा? डायन साय को अपना काम करना ही होगा। हेलो, थैंक्स। या दैविक हो ना हो, मेरे रास्ते का पत्थर जरूर है। इसके प्यार की शक्ति ही इस साय को रोक रही है और मैं जानती हूँ इस प्यार को कैसे खत्म करना है। पिया ने अपने सर्पिका होने का राज अंश से छुपा कर रखा है। जिस पल अंश उसके सर्पिका रूप को देख लेगा, उसे लगेगा पिया ने उसे धोखा दिया है, उसे झूठ बोला है। पिया का ये झूठ इस रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेगा। जैसे ही प्यार के पांव लड़खड़ाएंगे, उसी पल डायन साया अंश से होकर गुजर जाएगा। पिया के सर्पिका रूप को उसके दिल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अब देखना एकाएन का वार। माँ कांटे बिछाती है और बेटा भूल। तुम अपनी माँ जैसे नहीं हो और ना मैं तुम्हें उसके जैसा बनने दूंगी। तुम्हारे और मोहना की हर चाल के बीच में मैं ढाल बनकर खड़ी मिलूंगी अंश। मैं पता लगा के रहूंगी वो उल्टे पांव वाली डायन कौन सी उल्टी चाल चलने जा रही है और मेरे सब सवालों का जवाब देगा डायन वृक्ष। डायन वृक्ष मैं डायन वृक्ष का आह्वान कैसे करूं जबकि मुझे पता ही नहीं है ये होगा कैसे। सोच
पिया, सोच। तुम एक सर्पिका हो। उस डायन वृक्ष का इस्तेमाल करके अपनी सर्प शक्तियों, अपनी सर्प इंद्रियों को जगाना पड़ेगा गुड़िया, और तभी तुम डायन के मन में झांक पाओगे। इस इत्र से अंश को कुछ नहीं होगा, पर अंश के शरीर से आती इसकी खुशबू सर्पिका को अपनी असली रूप में आने के लिए मजबूर कर देगी। और जब अंश देखेगा कि उसकी बीवी एक जहरीली सर्पिका है, तब ये प्यार की कच्ची डोरी हमेशा के लिए टूट जाएगी। डायन वृक्ष सदियों से सर्प वंश का घर रहा है। अपने पूर्वजों की उसी शक्तियों का आह्वान करते हुए मैं सर्प वंश की सर्पिका डायन वृक्ष को आदेश देती हूँ कि मेरे सब सवालों का जवाब दे। मैं डायन वृक्ष का आह्वान करती हूँ। कोई डायन वृक्ष तक पहुंच चुका है, मुझे डायन वृक्ष को बुलाना होगा। गई अंश और पिया? आ जाएंगे भाभी, तब तक हम उनका यही इंतजार करते हैं। चैताली, हम उनका यहां इंतजार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो बिस्तर पे गुलाब के फूल रखे हैं। भाभी, ऐसे फूल तो सुहागरात की तैयारी में अक्सर। ओ, चलो। सर
मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। आज हमने धड़कने बोलेगी और दिल सुनेगा, लेकिन आज मेरी बात बहुत जरूरी है। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है पिया, मेरी बात तो सुन लो। बात सुनने सुनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आज की रात हमारी नहीं, खामोशियों के बोलने की रात है। अंश, उठो पिया, पिया क्या हो गया तुम्हें? पिया, 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 क्या हुआ पिया को? पता नहीं अविनाश, जब हम यहाँ आए तो ये हमें ऐसे ही मिली। क्या हुआ पिया? पिया, पिया बेटा, क्या हुआ? शेखर जी बताइए ना, क्या हुआ इसे? वैद्यश्री, पिया की नर्व्स नहीं चल रही। ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि एम्बुलेंस। जी 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 पा। ऐसी ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक दैवी का इजहार कर सकती है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस इतना चाहती थी कि पिया अपने सर्पिका वाले रूप में आ जाए ताकि अंश उसका असली चेहरा देख सके, लेकिन पिया मर कैसे गई?
खूब जमे का रंग जब इकायन के वार के साथ मिल जाएगा दुसर्पा का फिश। पिया आप जिंदा नहीं है? नहीं। क्या? जी। लेकिन ये मरी भी नहीं है। मतलब? यह इस वक्त त्रिशंकुलोक में है। मतलब वो पिया कोमा में है? त्रिशंकुलोक जिंदगी और मौत के बीच की एक दुनिया है। यूं समझ लीजिए कि मेरी गुड़िया एक गहरी नींद में है और मुझे नहीं पता कि वो उस नींद से लौटेगी या नहीं। निशान जी, पिया को बचाने का कोई तो तरीका होगा आपके पास? मेरे पास कोई तरीका नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है आज तक कोई त्रिशंकुलोक से वापस नहीं लौटा है। ये क्या किया तूने मोहना? मैंने कुछ नहीं किया छुटके। मैं जानती हूँ ये तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यह अंश की जिंदगी है, हमारे बेटे की जिंदगी है। मत छीन उससे उसकी जिंदगी। तू भले ही मुझे मेरी बहू मत लौटा, मगर अंश को उसकी जिंदगी लौटा दे। मोहना पिया को ठीक कर दे, ठीक कर दे मोहना। मोहना ने कुछ नहीं किया है। पिया पर जिस विष का इस्तेमाल किया गया है वो डायन विष नहीं है, कुछ और है। इतना शक्तिशाली कि उसने पिया को त्रिशंकुलोक तक पहुंचा दिया। ऐसा कौन सा विष हो सकता है? मोहना ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जब ये हादसा हुआ तब पिया के साथ कौन था? पिया के साथ? ये पिया के फेवरेट फ्लावर्स। हमें सब पता है, जा दिया उसे। अंश, अंश, और अंश इस वक्त कहाँ है? अंश कहाँ है? वैदेश्वरी अंश। अंश, भाई, भाई, अंश, 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 मिला अंश? नहीं, कहीं नहीं मिला। अंश, ऐसा नहीं लगता है कि उसको कुछ पता है। आएंगे कैसे हम उसको? लेकिन भैया बताना तो पड़ेगा ही ना। भाभी, ये बात सिर्फ आप अंश को बता सकती हैं। हे भगवान, अंश को ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति देना। अंश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि पिया नीली होकर गिर पड़ी है, राइट?
हाँ देखा मैंने। जब तुमने उसे उस हालत में देखा तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ अचानक से नीली होकर गिर गई, ऐसा लगा जैसे मर गई। माँ। हाँ अंश। उसे बेड से हटा देना प्लीज। को यहां से लेकर जा रहा हूं। निशान जी आप पिया को यहां से मत लेकर जाइए। अरे अगर पिया को कोई ठीक कर सकता है तो वो है अंश। अंश आपने शायद देखा नहीं, मेरी गुड़िया जिए या मरे उससे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान जी अंश को बहुत बड़ा सदमा लगा है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे। आप कितना भी वक्त ले लीजिए वेदश्री जी, ऐसा ही रहेगा। वो अब आपका बेटा नहीं रहा, अंश अब दावंश बन चुका है। बुराई की तरफ जा चुका है। मेरी बेटी जहां गई है मैं तो फिर भी उम्मीद कर सकता हूं कि शायद वो वहां से वापस आ जाए। लेकिन आपका बेटा जहां गया है वहां से वो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। मेरी बेटी जहां गई है मैं तो फिर भी उम्मीद कर सकता हूं कि शायद वो वहां से वापस आ जाए। और अंश जहां गया है वो वहां से कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। अब अंश वो बन रहा है जो मैं उसे बनाना चाहती थी। अंधेरा अंधेरे से मिलने आ रहा है। अब कोई रोशनी अंश को वापस नहीं खींच पाएगी। पिया को इस दुनिया से मैंने नहीं भेजा है, लेकिन जिस किसी ने भी ये कांटा निकाला है बड़ा अच्छा किया है। पिया के इस दुनिया से जाते ही डायन साया अंश से होकर गुजर गया होगा। अब अंश इंसान नहीं है, उसके अंदर दौड़ रहा डायन का खून जाग चुका है। उसके लिए ना तो अब रिश्ते का कोई मोल है ना प्यार का। जिस दिन ये निशान पूरे चांद के निशान में बदल जाएगा उस दिन अंश पूरी तरह दावंश बन जाएगा। जैसी माँ वैसा बेटा, और फिर मैं वो करूंगी जो करने में यहां आई हूं। निशान जी
निशान जी, निशान जी, निशान जी, निशान जी बात सुन लीजिए। निशान जी मैं कह रही हूँ कि देखिए अंश को, आपको लगता है कि अब भी इसमें कोई इंसानियत बची है? विश्री जी, आपकी परवरिश हार गई। खून आखिर खून ही होता है। डायन का बेटा एक दावंशी बनता है। मैं अपनी गुड़िया को इस घर से दूर ले जा रहा हूं। आप उठा लेंगे या मदद कर दूं? अंश, गलती मेरी ही थी। मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी करानी नहीं चाहिए थी। निशान जी मेरी बात सुनिए। निशान जी मत लेकर जाइए मियां को। निशान जी प्लीज। निशान जी अंश, अंश रुक जा। निशान जी मैं अंश से बात करती हूँ। अंश से बन जाएगा। निशान जी अंश क्या करना है तू? देख ना निशान जी लेकर जा रहे हैं प्रिया को, तेरी प्रिया को। अगर आज उसे वो यहाँ से ले गए ना तो तेरा प्यार भी हार जाएगा और मेरी परवरिश भी। कि मैं जानती हूँ अंश, मेरा बेटा ना तो अपने प्यार को हारने देगा और ना मेरी परवरिश को। उठ अंश कुछ कर। अंश तू सुन रहा है? कुछ कर ना अंश। माँ जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक नहीं कर रहा है अंश, मैं कह रही हूं तुझसे, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। निशान जी, निशान जी। भाभी इतना रो क्यों रही थी? इंसान है ना, इनकी किस्मत में बस आंसू ही लिखे होते हैं। बेकार की जज्बातों के पीछे रोते रहते हैं, लेकिन हम डायन की ऐसी कोई कमजोरी नहीं होती। ये हमसे अलग है, बहुत अलग, बहुत कमजोर। आइए। नमस्ते। नमस्ते। कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर में, आप दोनों ही हैं क्या? हाँ, विदुषी और चैताली जी भी कहीं नजर नहीं आ रही। बस वो आती ही होंगी। निशान जी, निशान जी सुन, निशान जी मोना कुछ करना, निशान जी को रोक ले। पिया घर इस घर से चली गई तो अनर्थ हो जाएगा मोना। कुछ कर मोना। भी आ गई। बस निशान जी निकल ही रहे थे तो हमने सोचा कि बार आप लोगों से भी मिल लेंगे। जी पंडित जी, शादी की तैयारियां तो चल रही हैं, पर हमारा सारा ध्यान तो पिया की तरफ है। उसका जल्द से जल्द ठीक हो जाना बहुत जरूरी है पंडित जी। आप किसी भी तरह से उसे ठीक करने का कोई उपाय ढूंढ लीजिए। और हाँ पंडित जी, जरा निशान जी से भी बात करते रहिएगा। हम लोगों से तो वो बहुत नाराज हैं, मगर आपकी बात वो जरूर सुनेंगे। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। लेकिन बड़े पापा, ऐसे माहौल में मैं शादी करूंगा तो करूंगा कैसे?
कि आप जानते हैं कि यहाँ कोई भी खुश नहीं। और इस लड़की की खुशी का क्या? अगर हम शादी कैंसिल करेंगे या शादी की तारीख आगे बढ़ाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और उन बातों से पायल और उसके घर वालों को जो दुख पहुंचेगा उसका क्या? लेकिन परिमा, दिस इज नॉट फेयर ना। हम लोग पायल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पिया भाभी का क्या? वो अगर कभी ठीक ही नहीं हुए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा नेहा। निशान जी ने बताया है कि पिया सिर्फ एक तरह की नींद में है, और वो और पंडित जी दोनों मिलकर उसे उस नींद से जगाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों उसे जगाने में कामयाब होंगे। मुझे होता, आप लोगों को इससे क्या मतलब? I don't understand क्यों आप लोग हर वक्त इतना ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं। भैया, भाई, भाई, बच्चों, भाई। क्या बदतमीजी है भाई? तुझे हो क्या गया है? तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? भैया, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? मुझे परेशान मत करो भैया। भाई लेकिन भैया, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी मां मजबूर है। क्या है निशान जी? रावंश को रोकने का तरीका। रावंश का गुस्सा डायन के गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन निशान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अंश कभी जी, वो सब बात की बात है। मुझे लगता है कि हमें हर वक्त हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें घोड़े की नाल है जो बुरी नजर से बचाने के लिए होती है, और अगर इन पर पाताल कीत की छिड़क दिया जाए तो ये दावंश को भी रोक सकते हैं। दावंश इसे हटा भी नहीं सकता। प्लीज वेद श्री जी, इसे ले लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।
एक माँ की मजबूरी है अंश। अब तक लड़ाई सिर्फ पिया को बचाने की थी, मगर अब तुझे बचाने की भी है। मेरा बेटा है, बच्चे को कुछ भी होता है माँ तड़प जाती है। पर आज तुझे रोकने को, तुझे घर देने को मजबूर है तेरी माँ, क्योंकि इस वक्त तू तू नहीं है। और बाकी को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आज। मगर तू डर मत, क्योंकि इससे तुझे कोई खतरा नहीं है। बस तू थोड़ी देर के लिए यहीं पर मेरा इंतजार करते आज। तुझे ठीक करने का जल्दी जल्दी रास्ता ढूंढ लेंगे। वाह, क्या बात है। घर में एक बेटे की शादी हो रही है और दूसरे बेटे को बांध के रखा जा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा बेटा है, एक डायन का बेटा है। मैं जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। तूने ही पिया को अंश से अलग किया ना, इसीलिए अंश की ये हालत हुई। मैंने कुछ नहीं किया है। अंश एक तावंश है और एक न एक दिन इसके तावंश को जागना ही था। अंश मेरा बेटा है, वो गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। बुराई चाहे उसे ना भी अपनी ओर खींचे, मगर उसका दिल उसे सही रास्ता दिखाएगा। बस कुछ ही समय की बात है मोना, या ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अंश ठीक हो जाएगा। देख क्या रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। डायन वंश में कोई किसी की मदद नहीं करता है अंश, सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इन लोगों ने तुम्हें बांध के रखा है क्योंकि इनको तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। उठो और दिखा दो इन्हें कि तुम एक दावंश हो। दावंश हो। जी पंडित जी, नमस्ते। क्या हो भाभी, किसका फोन था? मैंने किया था पंडित जी को ये पूछने के लिए कि पिया को ठीक करने का उन्हें उपाय मिला या नहीं। तो क्या कहा उन्होंने, मिला कोई उपाय? कोशिश कर रहे हैं। खैर चलो चलते हैं, वहां फंक्शन में सब इंतजार कर रहे होंगे। अंश, अंश का क्या भाभी? अंश का इस वक्त सबसे दूर रहना ही ठीक है, फंक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सभी, ढलते सूरज की किरण है, जब तक गुड़िया के कमरे की खिड़की तक पहुंचेंगे हमारे पास बस तब तक का टाइम है। मतलब 10 मिनट डैड? हाँ, और इन्हीं 10 मिनट में हमें गुड़िया के कमरे में पहुंचकर उसे वहां से ले जाना होगा। लेकिन हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे ताकि अगर हम में से कोई एक फंस गया तो कम से कम दूसरा तो वक्त पर पहुंच जाएगा। ओके डैड। सभी, अगर मुझे देर हो गई तो उस प्लान को अंजाम तुम्हें देना पड़ेगा। यस डैड। लेकिन ध्यान रहे, आज किसी भी हाल में हमें गुड़िया को यहाँ से ले जाना होगा।
कर रही हो? काजल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कुछ कहने का। प्लीज अंदर मत जाना। क्या हुआ? पता नहीं। ये मोहब्बत इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है। दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल पोछा लगा रही है, सब्जियां खरीद रही है। कहाँ चली गई बद्री जी हमें अकेला छोड़ के? बद्री जी हाँ ये तो हम है। हम कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो कोई आईना भी नहीं है। अरे मैडम। अरे रुक जाओ, हमारे नागेश्वर को वापस कर दो, हमारे बद्री। भगवान का ये ज्यादा तंदुरुस्त है, इसीलिए ये ज्यादा जल्दी भाग भी नहीं पाएगी। ज्यादा तंदुरुस्त तो हम भी है, हम भी ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। मांग सिंदूर विराजत टीको मग मद को, वो चल से दो नैना चंद्र बदन नी को। डैड रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे जय अंबे जय अंबे मां। सभी जल्दी से सामान निकालो। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, अब हम निगम भवानी तुम सिंपल रानी। ये आवाज जरूर अंश के कमरे से आ रही होगी, वो बेचारा कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा। मैं तो बताना ही भूल गई थी, निशान जी और पिया की बहन सावी पिया को देखने आए थे। हाँ वो पिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस उससे मिलने आए थे। बल्कि मैंने तो इनसे बहुत कहा था कि नीचे आ जाए रस्म के लिए, पर ये पिया के पास ही बैठना चाहते थे। निशान जी ये पायल के मम्मी पापा हैं, पिया के लिए तोहफा लाए हैं।
उसे खुद ही देना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो दरअसल गुड़िया इस वक्त, मेरा मतलब है पिया इस वक्त दवाई खाकर सो रही है। आप ये गिफ्ट वेदश्री जी को दे दीजिएगा, वो बाद में पिया को दे देंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर पिया सो रही है तो उसे सोने ही देते हैं, हम फिर मिलेंगे। जी चलिए। निशान जी, पिया, हे भगवान, ये पिया कहाँ चली गई? भाभी, हाँ, पिया दी इस बॉक्स में सेफ तो रहेगी ना? पिया जब तक हमारे साथ है, ये सेफ है। अब बस हमें इसे ठीक करना होगा। जब तक ऋषि की शादी नहीं हो जाती, हमें पिया का सच उन सबसे छुपा कर रखना होगा। ठीक है भाभी, चलो अब उन्हें विदा करके आते हैं, फिर देखते हैं। चलो। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर किसी चीज में कमी रह गई हो या कोई गलती हो गई हो, हमें माफ कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप संधू जी? आपका परिवार और हमारा परिवार अलग थोड़ी है। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते। अच्छा ये मुझे भी बहुत देर से परेशान कर रही थी। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई भूतूत देख लिया हो। मैं कोई भूतूत नहीं हूं, मैं एक दावंश हूं। क्या हुआ? दावंश का मतलब नहीं पता? ओ लगता है इन लोगों ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। अंश, अंश तुम ऐसा क्यों कर रहे? मैं बताता हूं इनके झूठ। अंश बहुत हो गया। झूठ नंबर एक कि पिया की तबीयत खराब है। अंश बस कर, क्या कह रहे तू? जबकि सच ये है कि पिया मर चुकी है, इसीलिए तो ये आपको पिया से मिलने नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिया बिल्कुल ठीक है, वो अपने कमरे में है, वो ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, शायद आपके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम बाद में आते हैं, चलो। ऐसे भी क्या जल्दी है? झूठ नंबर दो, मेरे मां बाप मर चुके हैं। मुझे भी बरसों तक यही बताया गया, लेकिन सच ये है
कि मेरी माँ जिंदा है, जिसे बड़ी आसानी से इन्होंने मार दिया था। और इन्होंने मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी माँ एक डायन है। हाँ, ये सच है, माँ एक डायन है और मैं एक दावंच। डायन की पहली औलाद। बोलिए रीवावंशी जी, मेरी प्यारी बहू कहाँ है? कहाँ है? जैसे ही मैं कहूं गाड़ी से बाहर निकला, ओके? यस डैड। चलो। ये पाताल केतकी का बना हुआ है, तू इसे तोड़ नहीं पाएगी। चलो सभी। रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अब आप ही बताइए, आपको मेरी बातों पर यकीन है या नहीं? पहले कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? बस कर अंश, बहुत हो गया। बस करूं? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं? मेरी असलियत तो देखते जाइए। मैंने कहा था ना, मैं एक दावंच हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। रुको सॉरी, रुको। तुम ये बैग लेकर जाओ, मैं तब तक डैन को उठा के रखता हूँ। डैन, आप ऐसे अकेले? सावी प्लीज, यही एक तरीका है। और पिया का ख्याल रखना। जा। ओके डैन।
बहुत हो गया। अब अगर तूने पायल और उसके घर वालों को परेशान किया अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती, जो कुछ भी हुआ उसके लिए बस आप लोग किसी को कुछ बताइएगा मत, खासकर जो रूप आपने अंश का देखा उसके बाद। तुम्हारी गुड़िया तो सच में गुड़िया बन गई। अब मैं इस गुड़िया का क्या करूं? वरना अगर मेरी गुड़िया पर खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कौन ही होगा। धमकी दे रहे हो? तुम्हारी गुड़िया की जान मेरे हाथ में है फिर भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करते हो ये तो बाद की बात है, पहले अपनी गुड़िया को तो बचा लो। बोला नहीं, नहीं। गुड़िया, गुड़िया! पिया जी! देखते हैं तुम्हें अपनी जान प्यारी है या तुम्हारी गुड़िया की। क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? तूने बाकी क्या छोड़ा? मेरा गुरूर था, लेकिन आज तूने मेरा गुरूर, मेरा विश्वास चकनाचूर कर दिया। सुबह होगी तो बाढ़ आ जाएगी। अंश, अपनी मां से तमीज से बात करो। तुम इसलिए रो रही हो ना क्योंकि इन लोगों को मेरा सच पता चल गया। ऋषि, पायल, आप लोगों ने कहा था ना कि आपने कुछ नहीं देखा, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन ये झूठ, ये सब आप कभी भूल नहीं पाए। लेकिन माँ नहीं चाहती, इसीलिए आप लोगों को सब भूलना होगा। ये
लगता है ये सब कुछ भूल गए हैं। अरे वेदश्री जी, आप क्या कह रहे थे? वो मैं हम चलते हैं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ये मंदिर बहुत ही खास और जागृत है, कुछ खास अवसरों पर ही इसके द्वार खोले जाते हैं। परंतु हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमारे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ भोलेनाथ के पास हैं, पर उससे पहले हमें कुएं के इस जल से इनका जलाभिषेक करना होगा। पंडित जी, अब आप इस जल से पारस शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिए। जी। Thank you.